हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं एक ही जगह पर। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, राजस्थान चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कैसे बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, अतीक अहमद की हत्या के बाद कहाँ है उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन। एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शरद पवार ने भी इन खबरों पर प्रतिक्रिया दे दी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जब विपक्ष एकजुटता का नारा दे रहा है, उस बीच ऐसी खबरें विपक्ष के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर अब खुद अजीत पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने की सभी खबरों को केवल एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा जो खबर दिखाई जा रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने किसी विधायक का साइन नहीं लिया है, सभी एनसीपी में है और आगे भी रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ विधायक अपने क्षेत्र या अपने काम के लिए मिलने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी वजह से आए हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अजीत पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर राउत ने कहा कि एनसीपी के 20 से 25 विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती है, जिन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी अजीत पवार के बारे में आ रही खबरों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा ये बातें मीडिया की देन है, हमारे दिमाग में नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और विचार नहीं है। सभी नेताओं की तरह अजीत पवार भी चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नहीं। शरद पवार ने भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो चर्चा आपके मन में है हम में से किसी के मन में नहीं है, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि इस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अजीत पवार भी काम में व्यस्त हैं, मैं यहाँ हूँ, इसके अलावा बैठक बुलाने का किसी का अधिकार नहीं है। खैर, इससे पहले सुप्रिया सूले ने ये दावा किया था कि अगले 15 दिनों में दो राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा था कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का ये बयान ऐसे समय में आया था जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। राजस्थान में पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री से सियासी पारा चढ़ गया है, क्या होगा पायलट का अगला प्लान, देखिए रिपोर्ट। जहां जहां चुनाव हुए और प्रशांत किशोर आए वहां वहां खेला हो गया। इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है और खबरें तेज हैं कि सचिन पायलट पीके के कांटेक्ट में है। अपनी ही पार्टी कांग्रेस और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से खफा खफा चल रहे सचिन ने हाल ही में ये कह दिया, जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हम लोगों ने वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने हमेशा मर्यादों को कभी लांघा नहीं, बड़ों का बुजुर्गों का मान सम्मान करना मैंने हमेशा किया, मैं विरोध भी करता हूं तो सचिन पायलट के इस बयान ने सीएम की कुर्सी को पायलट से और दूर कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस नेता के लिए कम से कम इस टाइम तो सीएम पद मिलना काफी असंभव लग रहा है। ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। उन्होंने जब पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे दिया था तो पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तरीके से अशोक गहलोत का साथ दे दिया था। ये वही कांग्रेस आलाकमान है जो हमेशा से ही दोनों को एक साथ रखकर चलने वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करता रहा है। कितनी ही क्रूशियल सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा ही कांग्रेस आलाकमान ने दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहा। लेकिन अब पायलट से खफा दिख रहा है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व। पार्टी ने अब ये संकेत भी दे दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव गहलोत की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं। इसी बीच ऐसी खबर आई है
कि राजस्थान में पीके फैक्टर आने वाला है। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को सचिन पायलट की राजनीतिक रणनीति बनाने का जिम्मा मिल गया है। इस खबर के बाद वहां सस्पेंस और बढ़ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बता दें, सचिन को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बदला अंदाज है। जिस दिन पायलट अनशन पर बैठे थे उस दिन आम आदमी पार्टी ही थी जो सबसे पहले उनके समर्थन में आई थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर सचिन पायलट के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो राज्य में दोनों राष्ट्रीय दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने अतीक के करीबी रहे कुछ संदिग्ध लोगों को भी उठाया है, जिसके बाद कुछ अहम जानकारी मिली है। देखिए, अप्रैल 2023 उस रोज झांसी में अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। असद की मौत के बाद ये खबर उड़ी कि उसकी मां शाइस्ता परवीन असद के जनाजे में पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों की निगाहें, मीडिया के कैमरे शाइस्ता को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। दो दिन बाद ही 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हिरासत में हत्या हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी कयास लगाए गए कि 16 अप्रैल को शाइस्ता अतीक की कब्रगाह पर पहुंचेगी। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में जब अतीक अहमद को दफनाने की तैयारी चल रही थी तो कुछ महिलाएं वहां दिखी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें से एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है। सभी महिलाओं ने बुरखा पहन रखा था। कुछ मीडिया ने दावा किया कि शाइस्ता भी इनमें मौजूद है और दफन पूरा होने के बाद वो सरेंडर कर देगी, लेकिन ये सिर्फ कयास साबित हुए। जबकि अतीक के वकील ने कहा था कि वो जनाजे में शामिल होना चाहती है। यही नहीं, उसने सरेंडर करने का भी मन बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उसका प्लान बदल गया। लास्ट संपर्क तो हमसे नहीं है, लेकिन एक सीनियर अधिवक्ता थे, उनसे संपर्क हुआ था, लगभग जो 10 दिन पहले की बात है, तो उनसे संपर्क हुआ। मंशा जाहिर की थी उन्होंने, ये उन्होंने मंशा जाहिर की थी समय आते ही वो सरेंडर कर देंगी। आखिर शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसे भी अपनी हत्या का डर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाइस्ता उस शख्स को जानती है जिसका जिक्र अशरफ ने किया था? अगर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। आखिर अशरफ ने 19 दिन पहले मीडिया को ये क्यों कहा? कौन है वो अफसर जिससे अशरफ की जान को खतरा था? पुलिस अधिकारी द्वारा उनको धमकी दी गई थी कि 15 दिन में तुमको निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। नाम तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात कही गई है हमसे और हमारी हत्या हो जाएगी अगर हमको जेल से निकाला जाएगा तो। बंद लिफाफे का ये रहस्य अतीक अशरफ हत्याकांड की गुत्थी को उलझा रहा है। सवाल है, शाइस्ता ने बंद लिफाफे के रहस्य पर चुप्पी क्यों साध रखी है? अतीक का कनेक्शन कई नेताओं से था, कई अफसरों से उसके रिश्ते थे। कहा जा रहा है कि अतीक अपने आकाओं के नाम खोल सकता था, वो कई सफेदपोश चेहरों से पर्दा उठा सकता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इस थ्योरी को दम देता है अतीक का वो फोन कॉल जो पिछले महीने 15 मार्च को पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया के हाथ लगा। पिछले महीने एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला था कि अतीक अहमद ने जेल से ही एक नेता को फोन किया था। फेस टाइम पर आपको 500 कॉल की, माननीय आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात काहे नहीं कर रहे। अतीक की आवाज सुनते ही उस नेता ने फोन काट दिया। सवाल यह है कि अतीक जेल से किस नेता के संपर्क में था और क्या पुलिस के सामने धूमनगंज थाने में पूछताछ के दौरान अतीक इस नेता की पोल खोलने वाला था? अतीक की हत्या में किसी सफेदपोश और किसी अफसर पर शक इसलिए है क्योंकि हत्या करने वाले शूटर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। उमेश पाल मर्डर केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता परवीन के साथ फरार है। सवाल है, क्या शाइस्ता परवीन इस वक्त गुड्डू मुस्लिम के साथ? 24 फरवरी को प्रयागराज से फरार होने के बाद गुड्डू मुस्लिम का पहला सुराग मेरठ में मिला था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप उस शख्स को देख सकते हैं जो काले लिबास में है और बाएं कंधे पर बैग लिए है। ये वीडियो 5 मार्च का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड के 9 दिन बाद का। जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा ये शख्स गली में इधर उधर झांकते हुए आसपास का माहौल समझता है। आसपास रेकी करने के बाद धीरे धीरे ये शख्स एक घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है।
कंधे से बैग को उतार कर जमीन पर रख देता है और गेट खुलने का इंतजार करता है। ये गुड्डू मुस्लिम है जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर दिखाई दे रहा है। घर का दरवाजा खुलता है और गुड्डू मुस्लिम घर की बैठक में दाखिल होता है, टोपी उतारता है। वहाँ हॉल में सोफे पर एक महिला बैठी, गुड्डू मुस्लिम भी सोफे पर बैठ जाता है। इसके बाद अखलाक की एंट्री होती है और गुड्डू मुस्लिम से गले लगाकर उसका स्वागत होता है और फिर तीन लोग एक बंद कमरे में मीटिंग के लिए चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ में सिर्फ 18 घंटे रुका था और फिर निकल गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम के बहराइच जाने की खबर मिली। इसके बाद वो मेरठ और दिल्ली होकर अजमेर गया। फिलहाल गुड्डू की लास्ट लोकेशन कर्नाटक में है, लेकिन सवाल है इस वक्त शाइस्ता गुड्डू के संपर्क में है या नहीं। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।